हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू मनी ऑफ टेक। तो गाइज, अगर आप स्नैपचैट की ऐप ओपन कर लेते हैं, बट आप लोग बहुत सारे यहाँ स्टोरीज वगैरह देखते हैं, बट आप लोग यही सोचते हैं आखिर में इन स्टोरीज को डाउनलोड कैसे करो अपने मोबाइल कैमरे के अंदर। तो गाइज, इसका मतलब है जो वीडियो ये इसी टॉपिक पर होने वाला है कि स्नैपचैट में हम स्टोरीज वगैरह डाउनलोड कैसे करें अपने मोबाइल कैमरे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ यार, वीडियो का एक रिपोर्ट स्किप मत करना, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो 100% जेन्युइन है। उस ट्रिक की मदद से आप लोग किसी की भी स्नैपचैट की स्टोरीज अपने मोबाइल गैलरी के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सिर्फ वन क्लिक के अंदर। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हमेशा मस्त मस्त कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो गाइस चलो, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। राइट, हे व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू मनी टेक। तो गाइस, जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ऑनली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्नैपचैट की स्टोरीज डाउनलोड कैसे करें अपने मोबाइल गैलरी के अंदर। राइट, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, सिंपली आप लोगों को स्नैपचैट की ऐप ओपन करनी है। उसके बाद जिसकी भी आप लोग स्टोरीज वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आप लोगों को ये फ्रेंड डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है, नीचे आप लोगों को इसे पर टैप करना है। तो गाइस उसके बाद फिलहाल आपको ऊपर स्टोरीज वगैरह शो हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, स्नैपचैट के थ्रू आप लोग किसी भी स्टोरीज को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने यानी कि ट्रिक लगाने है, उसके बाद आप लोग किसी की भी स्नैपचैट स्टोरीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सिंपली आप लोगों को किसी भी स्टोरी को ओपन करना है। तो गाइस जैसे आप स्टोरी को ओपन कर लोगे, अगर आप ऊपर चर्च पर टैप करोगे, यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी नज़र नहीं आता है डाउनलोड स्टोरी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये स्टोरीज डाउनलोड करनी है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए आप लोगों को सिंपली स्टोरी को सबसे पहले बैक करना है। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर दिखेगा ये जो नोटिफिकेशन पैनल, आपको इसको ऑन करना है। तो गाइस उसके बाद फिर आपको यहाँ दिखे स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप लोगों को इसी पर टैप करना है। तो गाइस टैप करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोड करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को स्टोरीज व्यू करनी है। जैसे आप स्टोरीज को व्यू करोगे, फिर आप लोगों को फुल स्टोरी वॉच करनी है और आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करना है। उसके बाद फिर आपकी जो स्नैपचैट की स्टोरीज है वो 100% आपके मोबाइल कैरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी इसी तरह। राइट, जी हाँ दोस्त, अगर आप लोगों ने भी ये वाला तरीका यूज़ किया अपने स्नैपचैट में, उसके बाद आप लोग किसी की भी स्नैपचैट की स्टोरीज डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल कैरी के अंदर। राइट, अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।